हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। मैं नेहा सिंह, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आएगा हर सेमेस्टर के लिए, वो मैं आज आपके साथ बात करती हूँ। और पीजी में एमए, एमकॉम और एमएससी का डेट शीट आ गई है एग्ज़ाम की, और बस अभी 2 से 3 दिनों में आप सभी लोगों के एग्ज़ाम डेट शीट आ जाएगी। सभी सेमेस्टर्स की जिनके जिनके शेड्यूल रहते हैं इस समय, उनके एग्ज़ाम की डेट शीट आ जाएगी, और यूजी पीजी सभी की। और बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो एमसीक्यू पैटर्न नहीं होगा किसी भी सेमेस्टर का। कुछ लोगों को यह है कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एमसीक्यू में होगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को रिटर्न में क्वेश्चन आंसर करने होंगे, और एमसीक्यू प्रोसेस जो होता है, एमसीक्यू पैटर्न वो नहीं होगा, रिटर्न पैटर्न होगा। पैटर्न में आपके चेंजेस जो हैं वो ये है कि आपको जो 10 लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनमें से कोई 5 क्वेश्चन करने होंगे, कोई भी 5। इसमें यूनिट वाइज वाला ऐसा कुछ नहीं लग रहा है आपको, 10 कोई भी 10 क्वेश्चन में से 5 कोई भी 5 क्वेश्चन करने रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन 5 आएंगे, 5 करने रहेंगे आपको 10 में से 5। और 2 से 3 दिन में सभी की एग्ज़ाम डेट शीट आ जाएगी। तो और बात कर लेते हैं कि कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सीएम के ऑर्डर से ये हो रहा है कि कोरोना का कुछ वो कम होता दिख रहा है, तो इस वजह से ये सीएम की मीटिंग हुई और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि 7 फरवरी से कॉलेज ओपन होगा। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है एलयू की तरफ से, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही सभी कॉलेजेस जो है ओपन हो जाएंगे। वैसे 7 के बाद या 7 से ही सभी कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल पे, और अपडेट्स आपको मिलती रहेगी ऐसे ही। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको किसी तरीके की कोई क्वेरी करनी है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।